This conference will now be recorded. Assalamu alaikum, awaaz aa rahi hai meri? Can you hear me? Okay, great. Welcome back. Let's wait for a few minutes. Let's let others come and then we'll start. In the meantime, if you have any question regarding yesterday's session, to you may ask. Kal humne mainly teen theories ko discuss kiya tha. Like we talked about rather humne kal discuss kiya tha Henry-Mintz work ke humne roles discuss kiye the. We discussed that how manager plays different types of roles at the workplace. Manager mukhtalif qisam ke roles kaise play karta hai workplace ke upar. Aur usme humne kaha tha ki teen categories hain role ki. Humne kal ek category ko review kiya tha. Iske ilawa humne kal Mosskanter ki theory padhi thi. Exactly, so this is what we discussed yesterday. Mosskanter ki theory badi important theory hai paper point of view se, aur so as Henry-Mintz work. Mintz work kehte hai ki manager ke functions alag hote hain aur manager ke roles alag hote hain. Functions jo hote hain managers ke, they are primarily based on the key decisions of organization. Plan karna hai, organize karna hai, coordinate, command or control karna. लेकिन मैनेजर सिर्फ ये काम नहीं करता. मैनेजर और भी बहुत सारे कामों में एंगेज होता है. मैनेजर जो है वो और भी बहुत सारे टास्क में एंगेज होता है. मैनेजर सिर्फ ये काम नहीं कर रहा होता, बल्कि ही इज ऑल्सो एंगेज इन अदर एक्टिविटीज एज वेल. इज ऑल्सो एंगेज इन सम अदर टास्क एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के चैनल्स को. ठीक है, ओके. हाँ, देखें, हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर मेनली रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है, और ये वर्टिकल चैनल्स होते हैं. जैसे अगर आपने ऑर्डर देना है किसी को, तो आप उसे ईमेल करेंगे या इन राइटिंग आप उसे ऑर्डर देंगे. मैनेजर्स रिलाई मोर ऑन इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. मैनेजर्स जो हैं वो ज़्यादा इनफॉर्मल चैनल्स पे रिलाई करते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल, आपने ग्रेप वाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर जो फ्लो है कम्युनिकेशन का, वो बड़ा क्विक होता है ऑर्गेनाइजेशन में. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग कि इनफॉर्मल चैनल्स के ऊपर जो फ्लो है कम्युनिकेशन का, दैट इज़ वेरी क्विक, दैट इज़ वेरी रैपिड एज कम्पेयर टू फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक, सो इसीलिए वो इस पॉइंट में कहता है कि मैनेजर्स जो हैं दे प्रेफर इनफॉर्मल चैनल्स. मैनेजर्स इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं ओवर फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिकेशन ज़्यादा फास्टर ट्रेवल करती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू फॉर्मल कम्युनिकेशन. ऑलराइट, मैनेजर की जो डिपेंडेंस है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन पे कम है, इनफॉर्मल पे ज़्यादा होती है. And that's an important point to talk about. इसके बाद Henry-Mintz work जो roles देता है आपको management के, उसमें 10 किस्म के roles define करता है under 3 broad umbrellas. So informational roles, हमने कल interpersonal roles को discuss किया था. हमने कहा था कि 3 किस्म के interpersonal roles होते हैं, figurehead, liaison and leader. Figurehead जो है ये ceremonial role play करता है, ceremonial activities पे जाता है. लीडर जो है ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट करता है, लोगों के साथ डीलिंग करता है, लीड करता है. एंड देन लेजॉन जो है ये आपके सामने ब्रिजिंग क्रिएट करता है, ब्रिज का रोल प्ले करता है. इंफॉर्मेशनल रोल जो होते हैं, इसमें मैनेजर का मेन टास्क जो है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होता है. इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू हैंडल द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर मैनेजर का जो प्राइम रोल होता है, दैट इज in which manager tries to establish channels of communication
and manager brings information inside and outside the organization. Yani jo information idare ke andar lane wali hai wo idare ke andar leke aayega, jo information idare se bahar bhejne wali hai se bahar bhejega. So basically filtering kar raha hota hai. Teen roles hai manager ke: monitor, disseminator and spokesperson, ya spokesman or spokesperson bhi kehte. मॉनिटर का रोल क्या होता है? ये इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम होता है इदारे का, फिल्टर होता है इदारे का, इंफॉर्मेशन की फिल्टरिंग करता है, ही फिल्टर्स द इंफॉर्मेशन. मैनेजर जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं और फिल्टरिंग करके इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, डिफरेंट चैनल से इंफॉर्मेशन उठा के इदारे के अंदर लेके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन में कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कंपेटिटर ने किस किस्म की नई सर्विसेज ऑफर की हैं, कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सप्लायर्स कितने अवेलेबल हैं, सप्लायर्स के साथ क्या कोटेशन है हमारी. तो ये बेसिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम कहते हैं इसको. इंफॉर्मेशन इज द बेस ऑफ सक्सेसफुल डिसीजंस, रिमेंबर दैट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन होती है ये कामयाब डिसीजंस की बुनियाद होती है. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल डिसीजंस. तो इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर मैनेजर इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम का किरदार अदा करता है, इदारे के अंदर इंफॉर्मेशन लेके आता है मुख्तलिफ सोर्सेज से, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, दोनों किस्म के सोर्सेज. डिसमिनेटर, डिसमिनेट करने का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड करना. मैनेजर इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट भी करता है. कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर्स को रिसीव करता है, फिर रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट लेट्स से, और फिर डिसमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को सबॉर्डिनेट्स की तरफ, फिर सबॉर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशन को फर्दर डिसमिनेट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ. दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिसमिनेशन. डिसमिनेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन चैनल्स को डेवलप करना विद इन द ग्रुप एंड आउटसाइड द ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर और बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है ना, इसे कहते हैं डिसमिनेशन. इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को सेपरेट करना, टू सेपरेट द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन मीन्स दैट यू आर सेपरेटिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन. इसी तरह मैनेजर जो है वो स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले करता है, स्पोक्स मैन भी कहते हैं, स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं. फेमिनिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि नहीं, स्पोक्स पर्सन कहना चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो स्पोक्स मैन नहीं होना चाहिए. बात भी सही है वैसे, दिस हैज टू बी स्पोक्स पर्सन. तो स्पोक्स पर्सन जो हैं ये पब्लिक रिलेशन कैपेसिटी में ऑपरेट करते हैं, ये इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्सेस पे शेयर करते हैं. इसकी ऐसी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. आप टीवी पे टॉक शोज देखते होंगे ना, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन आए होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो आके बैठे होते हैं और वो अपनी पार्टी के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे होते हैं, पब्लिक रिलेशन कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है कि क्या एक मैनेजर मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है? यस, डेफिनेटली कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, उस टॉक शो की मिसाल में, अब वो जो बैठा हुआ है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा, वो फिगर हेड भी है एट द सेम टाइम और वो स्पोक्स पर्सन भी है. वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रहा है, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज पॉलिटिकल पार्टी, एज वेल एज ही इज ऑल्सो अ स्पोक्स पर्सन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कर रहा है. इसी पब्लिक रिलेशन कैपेसिटी में काम कर रहा होता है. एक और इसकी एग्जाम्पल मिलती है आपको स्पोक्स पर्सन की, ये जो यूनियन लीडर्स होते हैं, जो यूनियन लीडर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो द स्पोक्स पर्सन, कि वो अपने पूरे लेबर यूनियन के बिहाफ पे वो कम्युनिकेट करते हैं टॉप मैनेजमेंट के साथ. दे कम्युनिकेट विद द टॉप मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द होल लॉट ऑफ द पीपल. ठीक है, तो इन्हें हम यूनियन लीडर्स का नाम भी देते हैं, ऑल्सो कॉल देम यूनियन लीडर्स. तीसरा जो रोल की जो तीसरी कैटेगरी है, दैट इज डिसीजन मेकिंग रोल. मैनेजर्स डिसीजन मेकर्स भी होते हैं, मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में भी ऑपरेट करते हैं. डिसीजन मेकिंग रोल्स के अंदर मैनेजर का जो प्राइम रोल होता है, दैट इज टू टेक अ डिसीजन एट अ सर्टन सिचुएशन. मैनेजर डिसीजन मेकिंग करते हैं. बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे मैनेजर्स को अपने ओन पे डिसीजन लेने होते हैं. इट्स नॉट लाइक के ओनर ही सिर्फ डिसीजन ले सकता है, मैनेजर्स ऑल्सो मेक डिसीजन टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन मेकिंग रोल्स में चार रोल्स हैं और ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में 8 मार्क्स का. मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं वो किस किस्म के होते हैं? वट आर द डिसीजन मेकिंग रोल्स ऑफ अ मैनेजर? दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर 8 मार्क्स. मैनेजर के डिसीजन मेकिंग रोल्स में पहला रोल है इनिशिएटर, इनिशिएट करता है.
बहुत सारे मैनेजर्स जो है वो एंटरप्रेन्योरियल रोल प्ले करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल रोल का मतलब होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर डिसीजन एंड टेकिंग रिस्क। एंटरप्रेन्योर्स जो है वो रिस्क लेते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो रिस्क लेते हैं। तो मैनेजर भी एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी में डिसीजन ले सकता है। मैनेजर कैन बी एन इनिशिएटर, ही और शी कैन टेक अ डिसीजन इन द कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इनिशिएटिव ले सकता है अपने ओन पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेल्स मैनेजर हूँ नेस्ले में, और मैं अपने ओन पे डिसीजन लेता हूँ कि मैंने इस दफ़ा एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना है अपने रीजन में, बिकॉज आई बिलीव कि यहाँ पे कस्टमर की डिमांड मौजूद है। तो आई विल राइट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड आर एन डी डिपार्टमेंट कि मेरे डिपार्टमेंट में भी या मेरे एरिया में भी इसकी सेल्स हो जाए। तो ये मेरा डिसीजन है, दैट्स माई डिसीजन। सिमिलरली मैनेजर का एक और डिसीजन मेकिंग रोल होता है डिस्टर्बेंस हैंडलर। मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है, डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को देखता है, और लेट सपोज प्रोडक्शन मैनेजर ने एक दिन बाद कोई बहुत बड़ी कंसाइनमेंट फुलफिल करनी है, और प्रोडक्शन मैनेजर को रात को 2 बजे टेलीफोन आता है सुपरवाइजर का या ऑपरेटर का कि जी मशीन ब्रेक डाउन हो गई है, मशीन ख़राब हो गई है, नाउ व्हाट टू डू। अब उस वक्त जो सुपरवाइजर डिसीजन लेगा, दैट इज डिस्टर्बेंस हैंडलिंग डिसीजन। अब सुपरवाइजर, अब वो उस वक्त जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सीईओ को तो नहीं फ़ोन करेगा ना, ही विल नॉट कॉल सीईओ कि जी आप बताएं आप क्या करें, मशीन ख़राब हो गई। उसे खुद डिसीजन लेना अनएक्सपेक्टेड, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आपके लिए गए डिसीजन आपकी परफॉर्मेंस को बड़ा डिटेल में इन्फ्लुएंस करते हैं। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जो आप डिसीजन लें और वो डिसीजन आपके अच्छे हो जाए, दैट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, उसकी वजह से आपको प्रमोशन भी मिल जाती है। तो आपने बड़ा क्रिटिकली डिस्टर्बेंसेस को हैंडल करना होता है। मैनेजर इज ऑल्सो अ रिसोर्स एलोकेटर। मैनेजर रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, बताता है कि कितना पैसा हमारे पास है, हमने ये पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्पेंड करना है, हाउ आर वी गोइंग टू यू नो मैनेज ऑल दीज इशूज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम कैसे एलोकेट करना है, टास्क कैसे एलोकेट करने हैं। तो मैनेजर जो है वो बड़ा केयरफुली रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा होता है, अवेलेबल मनी कितना है, हाउ दैट मनी इज गोइंग टू बी स्पेंड, हाउ दैट मनी इज गोइंग टू बी व्हाट यू कैन से एलोकेटेड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान किस तरह से एलोकेशन होती है। एंड द लास्ट रोल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिसीजन मेकिंग रोल इज निगोशिएटर। मैनेजर निगोशिएट करता है, मैनेजर अपने इदारे के बिहाफ पे जॉइंट अग्रीमेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग मैनेजर हैं और आप निगोशिएट कर रहे हैं कस्टमर के साथ प्राइस के ऊपर। कस्टमर कह रहा है कि मैंने ये चीज़ परचेज करनी है लेट सपोज 20 रुपीज़ की, और आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, कस्टमर भी बहुत बड़ा है, यू डोंट वॉन्ट द कस्टमर टू लूज, आप नहीं चाहते कि कस्टमर भी जो है वो लूज हो, ठीक है, तब आप निगोशिएट करते हैं। निगोशिएशन पे हम आगे जाके पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, 10 चैप्टर हमारा पूरा निगोशिएशन के ऊपर आएगा। सो मैनेजर निगोशिएट। सो डिसीजन मेकिंग रोल्स के अंदर मैनेजर जो हैं उनके पास डिफरेंट व्हाट यू कैन से आप समझ रहे हैं वो कैपेसिटी होती है, दे हैव डिफरेंट कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी के अंदर आप काम करते हैं, ठीक है। सो 10 रोल्स हैं, इफ यू कैन लुक एट इट there are 10 roles, 3 under the umbrella of interpersonal, 3 under the umbrella of informational, or 4 under the umbrella of decision making, theek hai। 3 roles interpersonal hain, kaun kaun se hain, figurehead, leader and liaison। 3 roles informational hain, monitor, disseminator and spokesperson। और 3 रोल्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग के हैं, इनिशिएटर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड निगोशिएटर। एग्जामिनेशन में ये भी मुमकिन है कि आपको सिचुएशन दी जाए और आपसे कहा जाए कि डिफाइन करें रोल को, कौन सा रोल पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से सिचुएशन पे बेस्ट बैठता है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल्स के ऊपर, जैसे पेपर में ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रोल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए,
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए कि आप बस हर रोल को ब्रीफली डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें, ठीक है। सो मिंट्सबर्ग की थ्योरी के दो पार्ट्स हैं, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था। मिंट्सबर्ग की थ्योरी का पहला पार्ट जो है वो डिबेट करता है मैनेजर्स के रोल्स के ऊपर, जो हमने अभी डिस्कस किया, और मिंट्सबर्ग की थ्योरी का जो दूसरा पार्ट है वो बात करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, एक इदारे का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑपरेट करते हैं। ये चूंकि स्ट्रक्चरल एलिमेंट है तो इसे हम थर्ड चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर में ये पूरा टॉपिक दोबारा ऐसे ही आएगा, दिस इज अ रेप्लिका, ऑब्वियसली एक रेप्लिकेशन है, क्योंकि मिंट्सबर्ग का जो स्ट्रक्चर का मॉडल है ये बड़ा अलाइंड है मैनेजमेंट के साथ भी और स्ट्रक्चर के साथ भी। बट अगेन अभी हमने चूंकि स्ट्रक्चर को समझा नहीं है, हमने डिफाइन नहीं किया स्ट्रक्चर क्या होता है सच, तो हम स्ट्रक्चर को फिर छोड़ते हैं थर्ड चैप्टर के लिए। तो अभी आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये थ्योरी स्किप कर दें एंड जंप ऑन 3.4 आउची बयान है। लेट्स टॉक अबाउट आउची, विलियम आउची थ्योरी जी, ये भी बड़ी मजे की थ्योरी है और ये थ्योरी भी आ चुकी है पेपर में 5 मार्क्स के ऊपर, सितंबर 2016 में आई थी, सितंबर 2016 में एग्जामिनर टेस्टेड आउची थ्योरी। विलियम आउची कौन था और इसने क्या किया था, इसकी थोड़ी सी आपको पहले हिस्ट्री बताऊंगा। अमेरिका और जापान, दीज वर टू कंपीटिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका और जापान दुनिया में कंपीटिंग इकोनॉमीज थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 39 में शुरू हुई थी 45 में एंड हुई थी, और एंड भी बड़े बुरे नोट पे हुई थी व्हेन अमेरिका अटैक जापान, अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिरा दिया था 2 शहरों के ऊपर, अमेरिका ने जापान में नागासाकी पे और हिरोशिमा पे एटम बम गिराया था। तो बेसिकली उसके पीछे रीज़न ये थी कि जापानीज मैनेजमेंट जो है दुनिया की, ये बड़ी ग्रोइंग मैनेजमेंट थी। अमेरिकन्स वर वेरी मच कंसर्न कि दुनिया में जापान क्यों इतना कामयाब है और दुनिया के अंदर ये जो अमेरिका है इसकी मैनेजमेंट क्यों इतनी फ्लॉड है, क्योंकि देखें साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो रूट्स हैं वो सारी अमेरिका में थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज रूटेड इन अमेरिका। तो अमेरिका जो है उसकी जो इंडस्ट्री और जो उसकी इकोनॉमी थी वो अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट बाहर नहीं आ पा रही थी, और साइंटिफिक मैनेजमेंट से पैदा होने वाले जो ड्रॉबैक्स थे उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी भी कम हो रही थी। इसके बरक्स जापानीज मैनेजमेंट दुनिया में बड़ी कामयाब थी। तो आउची ने क्या किया, आउची ने बेसिकली कंपेयर किया, एक स्टडी की उसने, जापानीज कंपनीज को कंपेयर किया उसने अमेरिकन कंपनीज के साथ। उसकी स्टडी का एम ये था कि व्हाई जापानीज कंपनीज परफॉर्म बेटर देन यूएस कंपनीज, और इन पर्टिकुलर व्हाई जापानीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी देन यूएस कंपेटिटर्स। तो बेसिकली दिस वॉज द एम ऑफ द स्टडी, दिस वॉज द एम ऑफ द स्टडी कि अमेरिका जो है वो डोमिनेटेड था साइंटिफिक मैनेजमेंट से मेनली, जबकि जापानीज मैनेजमेंट जो है वो काफी यूनिक मैनेजमेंट थी, दैट वॉज नॉट एट ऑल साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसने बेसिकली ये स्टडी करने, और वन ऑफ द रीजन फॉर विच अमेरिका अटैक जापान वॉज यही थी कि जापान जो है वो दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा था। जी आउची अमेरिकन था, एग्जैक्टली आउची अमेरिकन था, आउची खुद अमेरिकी था, और इसने जापानीज मैनेजमेंट को अमेरिकन मैनेजमेंट से कंपेयर किया था। एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट व्हाई अमेरिका इज नॉट परफॉर्मिंग गुड एज कंपेयर टू जापान। तो इसकी स्टडीज में फिर बहुत सारी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आई थी, इस पैराग्राफ पे अभी हम बाद में आते हैं, लेट्स डिस्कस द टेबल। सो आउची ने बेसिकली, आउची वॉज नॉट द ओनली पर्सन जिसने इस तरह का कंपेरिजन किया था, आउची वॉज नॉट द फर्स्ट मैनेजमेंट थ्योरी जिसने ये कंपेरिजन किया था, लेकिन आउची का वर्क नोटेबल इसलिए है, मशहूर इसलिए है कि इसने अमेरिकन मैनेजमेंट को डिस्कस किया, इसने जापानीज को डिस्कस किया, फिर इसने इन दोनों को ब्लेंड करके अपनी एक थ्योरी बनाई कि आइडियल मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। सो ही कंबाइंड द फीचर ऑफ टिपिकल यूएस एंड जापानीज कंपनी, इसने दोनों में से किसी एक को एफिशिएंट नहीं कहा था, इसने दोनों में से किसी एक, इसने कहा था कि कुछ चीज़ें अमेरिका सही करते हैं और लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो है वो जापान की सही। अमेरिकन मैनेजमेंट में के भी इसने कुछ पॉइंट्स लिए थे अपनी अपनी थ्योरी में, इसने किताब लिखी थी हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट कैन मीट द जापानीज चैलेंज, 1981 की किताब, इस किताब में इसने थ्योरी का जिक्र किया था, ही रोट अ बुक इन 1981। जी इसको, अच्छा व्हाई डू वी कॉल इट थ्योरी जी, देखिए मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई निकाली थी रिसेंटली 1960s में। मैकग्रेगर ने कहा था कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, जो कि एक वो जो थ्योरी से बिलोंग करते हैं, वो जो थ्योरी वाई से बिलोंग करते हैं। तो मैं उसी कॉनोटेशन में
उसी सीक्वेंस में इसने कहा चलो फिर मैं थेरी वी नाम, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इसे थेरी वी क्यों कहा था उसने। व्हाट आई बिलीव कि उन दिनों मैं ग्रेगर की थेरी बड़ी मशहूर थी, थेरी एक्स और थेरी वाई, सो जस्ट टू एक्वायर द अटेंशन ऑफ द पीपल सो दैट हिज थेरी शुड ऑल्सो बी नोटेबल, हिज थेरी शुड ऑल्सो गेट यू नो रिनाउंड, तो उसने फिर थेरी वी का वर्ड यूज किया था। बट दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन, आई एम नॉट श्योर, और कोई खास वजह भी नहीं है थेरी वी कहने की से, देयर इज नो रीजन। ठीक है, तो इसने थेरी वी का जिक्र किया था अपनी किताब में, हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट कैन मीट जापानीज चैलेंज। दिस इज अ सेवन पॉइंट थेरी, सात नकाती थेरी है, इसमें सेवन पॉइंट्स हैं, और सात पॉइंट्स पे हम कंपेयर करेंगे जापानीज सिस्टम को अमेरिकन सिस्टम से, और फिर हम उन दोनों में से देखेंगे कि बेहतर कौन सा है, और उस पर हम थेरी वी को बिल्ड करेंगे। ओके, तो तीन कॉलम्स हैं आपके पास, यह थ्री कॉलम्स। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया था उसमें पेपर में एग्जामिनर ने इस कॉलम पे क्वेश्चन किया था, जापानीज मैनेजमेंट कैसे होती, एज मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि थेरी, एक थेरी काफ़ी लेंथी होती है, उसमें काफ़ी कंटेंट होता है, काफ़ी रिच होती है, तो इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल कि एग्जामिनर एक थेरी पे पूरा कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन पुट करे, ये नहीं हो सकता, क्वाइट रेयर। हाँ, ये मुमकिन है कि एग्जामिनर आपसे लाइक अगर थेरी वी में से क्वेश्चन करता है तो आपसे थेरी वी के पॉस्टुलेट पूछ ले, या फिर ये पूछ सकता है कि थेरी वी के मुताबिक अमेरिकन मैनेजमेंट कैसे होती है, या ये पूछ सकता है कि थेरी वी के मुताबिक जापानीज मैनेजमेंट कैसे होती है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आया था वो ये सेंटर वाले कॉलम पे आया, दिस वॉज द क्वेश्चन कि टिपिकल जापानीज कंपनीज की मैनेजमेंट कैसे होती है, जो विलियम आउजी ने एक्सप्लेन किया। सो वी विल बी गोइंग थ्रू वन बाय वन। पहला पॉइंट कि टिपिकल अमेरिकन कंपनी में दे वॉज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आप गौर फरमाएंगे कि टिपिकल अमेरिकन कंपनी के बहुत सारे पॉइंट्स में आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की झलक नजर आएगी, यू वुड फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट। ठीक, तो अमेरिकन मैनेजमेंट फोकस करती थी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यहाँ एम्प्लॉई को हायर किया, उसको काम के वेबसाइट पे लगाया, उसका बेस्ट पॉसिबल लिया और उसे फारिग कर दिया, जबकि जापानीज मैनेजमेंट फोकस करती थी लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। आज अगर आपने एम्प्लॉई को हायर किया है तो यू हैव टू मेक श्योर कि अभी एम्प्लॉई जो है वो रिटायर हो गई जाएगा कंपनी से, ही विल रिटायर फ्रॉम द कंपनी। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि आपने कंपनी में अपना करियर स्टार्ट किया और फिर आप उसी कंपनी से रिटायर हुए। आउची ने कहा ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, दोनों को कंबाइन कर दो। तो आउची ने कहा कि अच्छी मैनेजमेंट वो होनी चाहिए जिसमें लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट हो, नॉट नेसेसरली लाइफ टाइम हो, बट डेफिनेटली लॉन्गर देन टिपिकल यूएस कंपनी। मतलब अमेरिका में तो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही एक साल की भी नहीं होती होगी, लेट्स से चंद महीने, एक साल एम्प्लॉई ने काम किया फिर जॉब छोड़ी, और ना कंपनी ने मेहनत की उसको रोकने की। जापानीज फोकस करते थे लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सारी उम्र एक एम्प्लॉई ने कंपनी को दे दी अपनी। आउची कहते हैं नहीं, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, नॉट नेसेसरीली लाइफ टाइम हो, लेकिन कम से कम 10-15 साल तो एम्प्लॉई काम करे ना किराए के साथ। 10-15 सालों में आपको उस एम्प्लॉई का पोटेंशियल पता लग जाता है, उसका आप वो कमिटेड ज़्यादा हो जाता है, ही गेट्स मोर मोटिवेटेड। ठीक है, उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो हमने कल बात की थी अल्टन बायो में, उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग बेहतर हो जाती है, ही बिलोंग मोर टू यू, वो ज़्यादा बिलोंग करता है आपके साथ। ओके, As we discussed in scientific management, the concept of centralization. So, American management में there used to be centralization. Decision making was made by centralized authority. जबकि जापान में क्या होता था, there was consensual decision making. Consensus होता था, consensus कहते हैं mutual agreement को, consensus का मतलब होता है mutual agreement. So, in Japan there used to be consensual decision making, means decisions taken through म्यूचुअल एग्रीमेंट। यहाँ पे आप देखें तो आउची ने जापान को सपोर्ट किया था, इसने कहा था कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ही होनी चाहिए, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू हैव। तो सेकंड पॉइंट पे आपने देखा कि उसने अमेरिका से ऊपर जापान को प्रेफर किया था कि जापानीज मैनेजमेंट का ये वाला फैक्टर बड़ा अच्छा है, डिसीजन मेकिंग कंसेंसुअल होगी तो लोगों की कमिटमेंट ज़्यादा होगी, लोग उसमें ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अमेरिका में क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक काम की जिम्मेदारी एक इंसान से होती है, जबकि जापान में होता था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक काम को आप मल्टीपल लोगों की जिम्मेदारी बना देते थे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर, तीसरे पॉइंट के ऊपर, ऑन द थर्ड पॉइंट, इसने अमेरिका को सपोर्ट किया था, इसने अच्छी मैनेजमेंट में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए,
हेयर आउची फेवर्स अमेरिकन मॉडल ओवर जापानीज मॉडल, ठीक है, यहाँ पे इसने जापानीज मॉडल को फेवर नहीं किया, अमेरिकन मॉडल को फेवर किया। तो वही कहता है अमेरिका देते रैपिड प्रमोशन करते थे एम्प्लॉयज की, क्विक करियर प्रोग्रेशन, जल्दी जल्दी उनको ऊपर लेके आते थे, जल्दी जल्दी उनको उठा के कंपनी में प्रमोट करते थे, जबकि जापानीज क्या करते थे, स्लो इवेल्युएशन करते थे परफॉर्मेंस की। एक एम्प्लॉय को आपने एक पोजिशन पे डिप्यूट किया, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप करें, उसे स्लोली प्रमोट करें, उससे टाइम लगाएं उसके ऊपर, सो दैट ही और शी शुड लर्न द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉय को महीनों में प्रमोट करके ऊपर ले जाए और फिर उसके बाद एम्प्लॉय को भी ना बताओ कि मैंने आगे कहाँ जाना है, और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर होकर नौकरी छोड़ देता है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट वाला जो फैक्टर है वो काफी हद तक कनेक्टेड है चौथे पॉइंट के साथ, कि जब आप स्लो इवैल्यूएशन करते हैं परफॉर्मेंस की, जब आप आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉई को बिल्ड करते हैं, ग्रेजुअली ग्रो करवाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमिटमेंट भी बढ़ती है। अगेन यहाँ पे आप देखें इसने फिर सपोर्ट किया जापानीज को, इसने कहा स्लो इवैल्यूएशन ही होनी चाहिए परफॉर्मेंस की और प्रमोशन भी आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए, ताकि आप बिजनेस को सीखें, ट्रिक्स ऑफ द बिजनेस सीखें, आप लर्निंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो। अमेरिका अगेन साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, तो अमेरिका में फॉर्मल कंट्रोल होते थे, फॉर्मल मैकेनिज्म होते थे, मैयर्स भी फॉर्मल होते थे, हर चीज़ को करने के रूल्स हैं, एज वेबर ने डिफाइन किया था, रूल्स होते थे हर चीज़ को करने के। जबकि इसके बरक्स जापान में इनफॉर्मल कंट्रोल, इम्प्लिसिट कंट्रोल होते थे, अमेरिका में देयर यूज्ड टू बी एक्सप्लिसिट कंट्रोल, हर चीज़ का कंट्रोल जो है वो डिफाइंड है, एक्सप्लिसिट है, और जापान में दे यूज टू बी इम्प्लिसिट कंट्रोल। यहाँ पे भी इसने दोनों को मर्ज कर दिया पहले पॉइंट की तरह, इस पांचवें पॉइंट पे भी इसने पहले पॉइंट की तरह मर्ज कर दिया दोनों को। इसने कहा कि कंट्रोल शुड बी इम्प्लिसिट बट कंट्रोल मैयर शुड बी एक्सप्लिसिट। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। देखें पंक्चुअलिटी की मिसाल ले लें, अमेरिकन कंपनी क्या करती थी, अनाउंस करती थी एम्प्लॉयज को कि एवरीबॉडी हैज टू बी पंक्चुअल और जो पंक्चुअल नहीं होगा तो उसको फाइन किया जाएगा, ये एक एक्सट्रीम है। इसके बरक्स जापानीज कंपनीज कभी बात नहीं करती थी पंक्चुअलिटी के ऊपर, एम्प्लॉय आ रहा है टाइम पे नहीं आ रहा, आउटपुट पूरा होना चाहिए। उसने कहा कि कंट्रोल शुड बी एक्सप्लिसिट, कंट्रोल शुड बी इम्प्लिसिट, आपको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पंक्चुअलिटी क्या है, उन्हें पता होना चाहिए, इम्प्लिसिटली डिफाइंड कंट्रोल है आपका, बट कंट्रोल मैयर शुड बी एक्सप्लिसिट, जिस बुनियाद पे आप उसको मैयर करेंगे वो चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस की बात कर लें, सेल्स टारगेट्स की बात कर लें, अगर सेल्स टारगेट्स मीट नहीं कर रहा एम्प्लॉई तो इट मीन्स कि यू शुड क्वेश्चन हिज पंक्चुअलिटी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर वो अपने टारगेट्स मीट कर रहा है, एक्सप्लिसिट कंट्रोल मैयर पूरी हो रही है, तो फिर आपको कंट्रोल पे जाने की जरूरत नहीं है, यू शुड नॉट गो फॉर टाइम पे क्यों नहीं आ रहे, गेटिंग द पॉइंट। तो अमेरिका में कंट्रोल भी एक्सप्लिसिट थे, कंट्रोल मैयर्स भी एक्सप्लिसिट थे, जापान में कंट्रोल्स वर इम्प्लिसिट एंड देयर मैयर्स वर आल्सो इम्प्लिसिट। आउची ने यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया, आउची ने कहा कंट्रोल्स एक्सप्लिसिट हो, मैयर्स इम्प्लिसिट हो, दैट वाज द फिफ्थ पॉइंट। तो आप देखा पहले पॉइंट में उसने दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स को कन्वर्ज किया, अमेरिकन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, जैपनीज लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट, उसने कहा नहीं, ना शॉर्ट टर्म हो ना लाइफ लॉन्ग हो, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि उसने कहा कि डिसीजन मेकिंग जो होती है दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, अमेरिका में सेंट्रलाइजेशन, जबकि जैपनीज में कंसेंसुअल होती है, तो यहाँ उसने जैपनीज को सपोर्ट किया। तीसरे पॉइंट में उसने अमेरिका को सपोर्ट किया कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर होती है, होनी भी चाहिए। चौथे पॉइंट में उसने फिर जापान को सपोर्ट किया कि स्लो प्रमोशन, स्लो प्रोग्रेस होनी चाहिए। पांचवें पॉइंट में उसने फिर दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स को कन्वर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया आपस में, ना एक्सप्लिसिट कंट्रोल होते हैं होने चाहिए टोटली और ना इम्प्लिसिट होने चाहिए, कंट्रोल शुड बी इम्प्लिसिट, देयर मैयर शुड बी एक्सप्लिसिट। फहीम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, व्हाट पॉइंट यू वांट मी टू रिपीट, कंट्रोल वाली बात, कंट्रोल वाली बात, ओके। लेट्स से आई एम अ सेल्स मैनेजर एंड आई हैव अ टीम ऑफ फोर पीपल वर्किंग अंडर मी,
मैं उनका पूरा प्रोसेस खुद डिफाइन करता हूँ कि उन्होंने कब कब ऑफिस आना है, कब कब उन्होंने कस्टमर से मिलने जाना है, उन्होंने डेली कितने कितने यूनिट बेच के आने हैं. इट मीन्स कि मैं एक्सप्लिसिट कंट्रोल डिफाइन कर रहा हूँ. जी चौथा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, चौथा भी समझाना. मैं एक्सप्लिसिट कंट्रोल डिफाइन कर रहा हूँ और मेजर भी एक्सप्लिसिट है. इसके बरक्स जापानीज क्या करते थे, सेल्स टीम बनाइए और उन्हें अब ये बिलीफ है कि सेल्स टीम खुद काम कर सकती है. उन्होंने पूछना भी नहीं है कि आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं. जस्ट डू योर वर्क एंड मीट द टारगेट. ये इम्प्लिसिट कंट्रोल है. आउची कहते हैं दोनों ही गलत है. इतना भी उन पर ना छोड़ें कि वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएं, फारिग हो जाएं, और इतना भी ना खींचें उनकी लगामें कि वो आपसे यू नो फ्रस्ट्रेट हो जाएं, डीमोटिवेट हो जाएं. तो उसने कहा कि दोनों को मर्ज कर दें. कंट्रोल आपका इम्प्लिसिट हो, खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका मैयर डिफाइंड हो. उन्हें ये पता हो कि अगर हमने ये टारगेट मीट ना किया तो हमारी खिंचाई हो जानी. व्हाट द पॉइंट. किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कितने बजे आना है. वो दे शुड बी मैच्योर इनफ, उन्हें पता होना चाहिए कि हमें कितने बजे आना है, ठीक है. लेकिन अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को मीट नहीं कर पा रहे, जो मैयर है उसे अचीव नहीं कर पा रहे, तो दैट इज गोइंग टू मेक इट प्रॉब्लमेटिक फॉर देम. ओके. अच्छा, अगेन साइंटिफिक मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन. अमेरिका में स्पेशलाइजेशन होती थी, जापानीज में नॉन स्पेशलाइजेशन होती थी. इसमें फिर कहा दोनों को मर्ज कर दो. नॉन स्पेशलाइज्ड करियर पाथ भी इतनी कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट की इंडिकेशन नहीं है. हाँ, इतनी स्पेशलाइजेशन से बेहतर ही है, तभी जापानीज कामयाब थे ना. इट इज स्टिल बेटर देन स्पेशलाइजेशन, दैट्स व्हाई जापानीज वर सक्सेसफुल. तो आउची ने कहा कि मॉडरेटली स्पेशलाइज्ड करियर पाथ होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, स्पेशलाइज करियर पाथ कहते हैं मास्टर ऑफ वन, एक काम. ये होता है जैक ऑफ ऑल, इसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन. नॉन स्पेशलाइज करियर पाथ कि आप सब कुछ करने के काबिल हैं, हर फन मौला है, लेकिन आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है किसी एक की. जबकि जापान अपना आउची ने कहा कि मॉडरेटली डिफाइंड स्पेशलाइज करियर पाथ. मॉडरेटली से क्या मुराद है कि एक इंडिविजुअल जो है फॉर एग्जाम्पल वो अकाउंटेंट भी अच्छा हो और साथ साथ कोई और फाइनेंस का काम भी कर सके. या फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई जो है उसे मार्केटिंग भी आए और सेल्स भी आए. यानी जो इस तरह के फंक्शन है जिसमें थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है, वहाँ पे आप मॉडरेट स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. नॉट स्पेशलाइज द टास्क विद वेरी यू नो डिटेल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, और बिल्कुल ही ना छोड़ दें स्पेशल मतलब नॉन स्पेशलाइजेशन के ऊपर. तो यू हैव टू मेक द टास्क अ बिट स्पेशलाइज. अब देखें यहाँ पे भी दोनों को वो कन्वर्ज कर रहा है, मर्ज कर रहा है. साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती थी इंसान एक मशीन है, उसे मशीन की तरह ट्रीट करना है आपने. तो कंसर्न फॉर एम्प्लॉई एज एम्प्लॉई, कंसर्न फॉर एम्प्लॉई एज एम्प्लॉई. स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ा था ना साइंटिफिक मैनेजमेंट में, कि किसी एक काम को एक्सपर्ट बना देना किसी. स्पेशलाइजेशन मीन्स दैट यू आर एक्सपर्ट ऑफ डूइंग ओनली वन थिंग, ठीक. इसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन. तो अमेरिकन कहते थे कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, बल्कि जबकि जापानीज कहते थे नहीं, स्पेशलाइजेशन इज नॉट समथिंग यू हैव टू फोकस ऑन, बल्कि हर फन मौला होना चाहिए. एक एम्प्लॉई को सब कुछ करना आना चाहिए. उस पर आउची ने कहा नहीं, ये भी गलत है, देयर हैज टू बी मॉडरेटली डिफाइंड स्पेशलाइज करियर पाथ. कि बहुत ज्यादा स्पेशलाइज भी ना हो, बहुत ज्यादा नॉन स्पेशलाइज भी ना हो. साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि इंसान एक मशीन है, इसे मशीन की तरह चलाएंगे. यू विल ट्रीट पीपल लाइक मशीन बिकॉज दे वर्क लाइक मशीन. जबकि मॉडर्न मैनेजमेंट कहती है कि इंसान मशीन नहीं है, इसे आपने मशीन की तरह ट्रीट नहीं करना. सेम कॉन्सेप्ट इज यूज अगेन बाय आउट. अमेरिकन मैनेजमेंट कहते थे कि कंसर्न फॉर एम्प्लॉई एज एम्प्लॉई, बस एजेंसी थेरी का कॉन्सेप्ट. पैसे दो काम कराओ, एजेंसी थेरी, पे द पीपल, गेट देम टू वर्क. जबकि जापानी कहते थे वाइडर कंसर्न लेके आओ एम्प्लॉयज का. वाइडर कंसर्न में क्या होता है, उनकी फैमिली का भी ख्याल रखो, उनकी इंश्योरेंस भी कराओ, उनके बच्चों की फीसें भी दो स्कूल की. एम्प्लॉयज को ये फील कराओ कि आप वाकई उनका ख्याल रख रहे हैं, वाइडर कंसर्न फॉर एम्प्लॉय. यहाँ पे भी आउची जो है वो जापान को सपोर्ट करता है कि वाकई वाइडर कंसर्न फॉर एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है. दैट इंक्लूड्स बेनिफिट्स फॉर द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है. तो अब देखें इन सात पॉइंट्स में, पहले पॉइंट में इसने मर्ज किया दोनों थेरीज को.
बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन होने का डिसएडवांटेज हमने पढ़ा याद करें साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वर्क मोनोटनी, टास्क रेपिटेटिव की जो रेपिटेटिव नेचर ऑफ टास्क जो है उसकी वजह से क्या पैदा होता है, वर्क मोनोटनी पैदा होती है, उससे क्या होता है डीमोरलाइज हो जाता है वर्कर, वर्कर का काम में इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वर्कर डज नॉट शो एनी मोर इंटरेस्ट इन द वर्क दे डू, ठीक है, सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो पहले पॉइंट में देखें इसने दोनों को मर्ज किया, दूसरे पॉइंट में इसने जापान को सपोर्ट किया, तीसरे पॉइंट में इसने अमेरिका को सपोर्ट किया, चौथे पॉइंट में इसने फिर जापान को सपोर्ट किया, पांचवें और छठे पॉइंट में दोनों में इसने मर्ज किया दोनों को, ये मर्ज द टू, और सातवें पॉइंट में इसने फिर जापानीज को सपोर्ट किया। तो यू कैन वेरी फेयरली सी कि अमेरिकन मैनेजमेंट को वो सिर्फ एक पॉइंट का सपोर्ट कर रहा है, दैट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी अमेरिकन मैनेजमेंट जो है दैट वॉज नॉट वेरी प्रोमिनेंट वे ऑफ मैनेजमेंट, and for that reason America was falling behind at the international performance level, America jo hai wo piche reh raha tha, American management fail ho rahi thi. To Auchi ne apni theory mein in points ke zariye ye define kiya. Ab agar aap ye wala paragraph pad le, iski jo study thi Japanese companies ki, isne kaha ki managers have high level of trust in their workers and they assume that the workers have strong loyalty towards their company and they are interested in team working. तभी हमने कहा ना कि इम्प्लिसिट कंट्रोल्स प्रैक्टिस करते थे, जितना आप किसी पर ट्रस्ट करेंगे उतने आपके कंट्रोल जो है वो इम्प्लिसिट हो जाएंगे रादर देन बीइंग एक्सप्लिसिट। रिमेंबर द मोर यू ट्रस्ट द पीपल द मोर योर कंट्रोल विल बी इम्प्लिसिट एंड नॉट एक्सप्लिसिट। कंपनी इन टर्न लॉयल्टी अपने एम्प्लॉय की तरफ शो करती थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फॉर लाइफ देती थी, हाउएवर प्रमोशन करियर प्रोग्रेशन स्लो होती थी जिसकी, लेकिन जापानीज कंपनी में कंसेंसस पे होती थी, कलेक्टिव होती थी, ठीक है, और मैनेजमेंट ट्राई करती थी कि वो एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट को अचीव करे बिफोर दे मेक अ डिसीजन, कि हर बंदा उसमें अपनी अपनी राय जो है वो दे दे और किसी एक की बात के ऊपर डिसीजन मेकिंग ना हो, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ एंड दैट इज व्हाई अमेरिकन मैनेजमेंट वाज मोर इफेक्टिव, सॉरी जापानीज मैनेजमेंट वाज मोर इफेक्टिव। तो ये पूरा पैराग्राफ सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी थ्योरी के पोस्टुलेट्स में डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सो फार? जी यही पॉइंट टेबल में स्पेन हुए, दैट्स व्हाई मैंने पहले टेबल स्किप कर दिया था, एग्जैक्टली इसीलिए बेटा मैंने पहले टेबल स्किप किया था कि पहले हम जरा तीनों पोस्टुलेट्स देख लेते हैं और तीनों कॉलम्स देख लेते हैं। पेपर में ये बड़ा रेयर है कि आपको पूरा टेबल ही आ जाए, तो पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा आपसे तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि अमेरिकन मैनेजमेंट क्या है या जापानीज मैनेजमेंट क्या है या आउची की थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, तो आपने बड़ा केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ के आपने उसी के रेलेवेंट फिर आंसर देना है और आपने मेक श्योर करना है कि जो क्वेश्चन किया जा रहा है आप एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो वर्बली बयान कर दी जाए, इम्प्लिसिट का मतलब होता है समथिंग दैट इज अंडरस्टूड, जो पता है कि ये ऐसे ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है ना कि नो स्पिटिंग, यहाँ थूकना मना है, यह है एक्सप्लिसिट, डिफाइन कर दिया, बता दिया, पता है कि हम एक महजब कौम है, पता है कि हम पब्लिक प्लेस पे स्पिट नहीं करना, तो ना भी लिखा हो तो स्पिट नहीं करना, ये इम्प्लिसिट कंट्रोल है। आई बात समझ, एक्सप्लिसिट इज समथिंग दैट हैज बीन डिफाइंड, जिसको डिफाइन कर दिया जाए, जिसको बता दी जाए कि ऐसे करना है। इम्प्लिसिट से मुराद ये है कि बताने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करना है, दैट इज इम्प्लिसिट, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। कंट्रोल को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये होता है कंट्रोल मैकेनिज्म। जैसे जापान के पास कंट्रोल मैकेनिज्म भी नहीं होता था, इम्प्लिसिट होता था सब कुछ, अमेरिका का कंट्रोल भी एक्सप्लिसिट होता था और उसका मैकेनिज्म भी एक्सप्लिसिट होता था। फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लिसिट कंट्रोल है, और अगर कोई टाइम पर नहीं आ रहा तो फाइन भी करेंगे। जापान में पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है, वो बिलीव करते हैं कि लोगों को खुद पता होना चाहिए कि पंक्चुअल होना इंपॉर्टेंट है, तो वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। दोनों केसेस में आप एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली दैट इज इम्प्लिसिट, दैट इज इम्प्लिसिट, बिल्कुल सही। हाँ लाइक पीपल नो दैट दे हैव टू बी पंक्चुअल, किसी को बताने की जरूरत नहीं है किसी को, यू शुड नो दैट। जैसे आप लोगों को क्लास में आना है, लाइव सेशंस लेने हैं, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी इम्प्लिसिटली डिफाइंड, ये इम्प्लिसिट है, ये आपको पता होना चाहिए, खुद ब खुद पता होना चाहिए,
ये चीज डिफाइन करती है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को. Exactly, that is not thought bad in Japan. वो तो खैर टाइम देते हैं आपको सोने का वर्क प्लेस के ऊपर. हाँ वेरी गुड शाबाश शाबाश वेरी गुड. इम्प्लिसिट आपके सबकॉन्शियस माइंड की ड्राइव होती है. इम्प्लिसिट जो है दैट्स अ ड्राइव ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. जबकि एक्सप्लिसिट जो है ये आपके कॉन्शियस माइंड में चीज फीड की जाती है कि ये ऐसे करना है ये ऐसे करना है ये ऐसे करना है. तो एक्सप्लिसिट जो होता है दैट इज समथिंग व्हिच इज फेड इन योर कॉन्शियस माइंड. जबकि इम्प्लिसिट जो है दैट इज समथिंग व्हिच इज अंडरस्टूड अंडरस्टूड होती है. क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? चलो मैं ग्रेगर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इसे इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम डिटेल में कल. मैकग्रेगर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई. मैकग्रेगर ने आउटी से पहले थ्योरी दी थी अपनी. मैकग्रेगर ने किताब लिखी थी ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज की के नाम से. मैकग्रेगर ने भी एल्टन मायो वाले कॉन्सेप्ट को ही आगे प्रमोट किया था कि ह्यूमन बिहेवियर आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज दोज बिहेवियर. तो मैकग्रेगर ने कहा था कि दुनिया में दो किस्म के इंसान होते हैं, एक वो जो थ्योरी एक्स से बिलोंग करते हैं और एक वो जो थ्योरी वाई से बिलोंग करते हैं. थ्योरी एक्स के जो लोग होते हैं ये फितरतन सुस्त होते हैं, ये काम को पसंद नहीं करते, ये चाहते हैं कि इन्हें कोई काम करने को ना कहा जाए, इन्हें बस घर बैठे सैलरी मिल जाए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक मुमकिन हो सके. मतलब इन शॉर्ट हम सारे के सारे थ्योरी एक्स से बिलोंग करते हैं. वी ऑल बिलोंग फ्रॉम थ्योरी एक्स. ठीक है? वी हेट वर्क, वी जस्ट वॉन्ट टू पास सीए विदाउट पुटिंग एनी हार्ड वर्क. ठीक है? वी वॉन्ट टू गेट गुड जॉब्स. ठीक है? But we don't want to take responsibility for that. इसके बरस इसने कहा था कुछ लोग जो है वो थेरी वाई के होते हैं. थेरी वाई के जो लोग होते हैं ये फितरतन चैलेंजिंग होते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं. ये लोग मेहनती होते हैं, ये लोग प्रोएक्टिव होते हैं, खुद काम करते हैं. हाँ थेरी एक्स वालों को फोर्स करना पड़ता है, इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. थेरी वाई वाले जो है ये सेल्फ स्टार्टर होते हैं, खुद स्टार्ट हो जाते हैं, इनको धक्का नहीं लगाना पड़ता. गाड़ियां दो किस्म की होती है ना, एक वो जो धक्के से स्टार्ट होती है और एक वो जो सेल्फ से स्टार्ट होती है. तो जो गाड़ी धक्के से स्टार्ट होती है वो थ्योरी एक्स है और जो गाड़ी खुद स्टार्ट हो जाए वो थ्योरी वाई है. ठीक? तो दोनों को मैनेज करने के अंदाज तरीके मुख्तलिफ हैं. वो क्या तरीके हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कल. ठीक है? इन द मीन टाइम कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं. एग्जैक्टली ये अभी मैंने सिर्फ तारुफ करवाया, अभी हम ये सब कुछ पढ़ेंगे. एग्जैक्टली ये अगला पेज मैंने इसलिए मैं इसको जंप ही नहीं किया अभी, मैंने हमने ये सब कुछ पढ़ना है अभी. सो डोंट वरी, वो काम को नेचुरल फिनोमेना के तौर पे लेते हैं, कि वो काम को एंजॉय करते हैं. टेस्ट आपको इंशाल्लाह होपफुली कल तक मिल जाएंगे वापस. ठीक है? और उसके ऊपर फीडबैक भी आपको मिल जाएगा. जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको हम क्लास में एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे इंशाल्लाह. ठीक? टॉप थ्री पोजिशन मैं क्लास में अनाउंस करूँगा. ओके? तो कल तक इंशाल्लाह टेस्ट आपको मिल जाएंगे. सोल्यूशन ऑब्वियसली टेस्ट विल कम विद सोल्यूशन. टेस्ट आपका सोल्यूशन के साथ ही आपके LMS में आएगा. ठीक है? चलिए लेट्स कंक्लूड इट फॉर टुडे हियर. सी यू इंशाल्लाह टुमारो. अल्लाह हाफिज़. दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड.